नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है अपराध जगत से जुड़ी बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में जयसिंहपुर एसडीएम के पेशकार संजीव कुमार दुबे का शव रोड के किनारे मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। सुल्तानपुर में दोस्तपुर थाना क्षेत्र के दुल्हापुर ग्राम पंचायत भवन में बीती रात चोरी हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर चोरों की खोजबीन शुरू कर दी है। सुल्तानपुर में गोसाईगंज थाना क्षेत्र के एक घर में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। अमेठी में पूर्व सपा विधानसभा प्रत्याशी मोहम्मद नईम सहित चार लोगों पर रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज हुआ है। मामला भाजपा के पूर्व प्रत्याशी प्रदीप सिंह थोरी ने दर्ज कराया है। अमेठी में थाना इन्होना पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 105 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। रायबरेली में लोगों का आरोप है कि ओवरलोड वाहनों के कारण आए दिन घटनाएं हो रही हैं और सड़क धंसती जा रही है, लेकिन लगातार की जा रही शिकायत के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रायबरेली में डीह थाना क्षेत्र के पूरे शिव गुलाम गाँव में कुछ दबंगों ने घर में घुसकर एक परिवार पर हमला कर दिया। यहाँ गाँव की महिलाओं ने परिवार को बचाने के लिए दबंगों को मार पीट कर वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। बलरामपुर के थाना हरैया में एक राशन विक्रेता ने दबंगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। राशन विक्रेता का आरोप है कि यहां पर दबंगों ने उन्हें मारते हुए उनसे 10,000 रुपए भी छीन लिए हैं। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।